ड्रैगन बॉल सुपर, अपने नाम की तरह ही ये सीरीज एकदम सुपर्ब है, जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं दूंगा। ये सीरीज जहां भी आई है, यानी कि मैं बात करूं जापान की, इंडिया की और यूएस की, जहां भी आई है इसने तहलका मचाया है। और हम इंडियंस तो ऑब्वियसली हिंदी डबिंग को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी डबिंग का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही टेस्ट है। एंड द फैक्ट अबाउट दिस सीरीज इज कि अगर मैं 2 या 3 सालों पहले आपसे आके बोलता कि ड्रैगन बॉल सुपर जैसी एनिमे सीरीज आप लोग को टीवी पर, कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में देखने मिलेगी, तो क्या आप लोग मेरी बात का यकीन करते? मुझे आप लोग बोलते कि बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, एंड कार्टून नेटवर्क पर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बट आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां ये सीरीज डब भी हो गई है, हिंदी में टीवी पर टेलीकास्ट भी होती है, और साथ में एंड आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां मैं आप लोग के लिए इस सीरीज की हिंदी लाइव डबिंग लेकर आया हूं। सो कैन यू बिलीव दिस? बट यस, बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सपना नहीं है, ये सब असली है। एंड फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर की भी लाइव डबिंग हमारे चैनल पे आ गई है। तो टाइम पास नहीं करते, आप लोगों को तो पता ही है इस वीडियो में क्या होने वाला है, कौन कौन स्पेशल गेस्ट मौजूद है, तो सीधा वीडियो पे आते हैं, टाइम पास नहीं करते। ओनली ऑन योर फेवरेट एनिमे असेंबल। अब बात करते हैं प्यारी सी क्यूट वॉइस वाली विडेल की, यानी कि गोहान की वाइफ की, जिसे अपने प्यारे और क्यूट टोन में आवाज दी है हमारी परिग्ना मैम ने। किस्मत अच्छी है, तुम्हें काफी समय से ये किताब चाहिए थी ना? मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम खूब मेहनत से पढ़ो गोहान, फिर मेरे पास एक स्वीट स्कॉलर दोस्त होगा। अब देखो, विडेल की बात हो गई तो गोहान की बात ना करें, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा ना। तो अब बात करते हैं गोहान की। तो गोहान को इस सीरीज में डब किया है हमारे संचित वर्तक सर ने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ये मैं हूं, तुम्हारा अंत होगा। अब बात करते हैं बुलमा और गोटेन की एक साथ, इसीलिए क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एक ही वॉइस एक्टर ने सीरीज में संभाला है, जो कि है ऑफ कोर्स हमारी राजश्री मैम। जो अपनी बीवी का जन्मदिन छोड़कर ट्रेनिंग करने चल, मैं तो जानती थी कि तुम यही करोगे। ये लो शादी का तोहफा मेरी तरफ से। अब बात करते हैं पिकोलो की, जिसकी वॉइस इतनी परफेक्ट है उसके लिए, एंड इसी परफेक्ट मॉड्यूलेशन के पीछे हैं हमारे शैलेंद्र पांडे सर। अब तुम मेरे हाथ में आए हो फ्रॉस्ट, अब दो ही चीजें होने वाली, पहले मैं पूरी तरह से चार्ज हो जाऊं। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इस सीरीज का विलन भी है, कभी गोल्डन हो जाए कभी ये व्हाइट हो जाए, इसके दिमाग में क्या चलता है वो यही जानता है, एंड जिसका नाम है फ्रीजा। एंड फ्रीजा को अपने मिस्टीरियस वॉइस में आवाज दी है हमारे राजेश शुक्ला सर ने। जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी एनर्जी तुमसे कहीं ज्यादा है, खैर इस बात का कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं लॉर्ड बीरस का असिस्टेंट और एक बहुत ही पावरफुल एंजल विस की। तो विस को इस सीरीज में संभाला है हमारे सचिन गोले सर ने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा विस और आप मुझे देख सकते हैं, तो इस तरह का उसका टोन था। अब विस की बात मैंने कर ली तो लॉर्ड बीरस की बात क्यों नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, वीडियो इनकम्प्लीट होगा उनके बिना। तो सबसे पावरफुल देवता अपने आप को मानने वाले लॉर्ड बीरस को आवाज दी है हमारे सभी के फेवरेट राजेश कावासर ने। आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है जमासो। मुझ में ताकत है। अब बात करते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अनाउंसर और एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर, ओवर पावरफुल कैरेक्टर, जो कि है ग्रैंड प्रिस्ट। इसके लिए एकदम पावरफुल वॉइस चाहिए थी एंड इतनी अमेजिंग वॉइस चाहिए थी कि ये अनाउंसमेंट्स को भी संभाल पाए। और ग्रैंड प्रिस्ट की वॉइस के पीछे हैं हमारे कृतार्थ सर। वेलकम मेरे दोस्त, आने के लिए शुक्रिया। तुम जरूर सेम गोकू हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आखिर तुम्हारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मीनिंगफुल आउटफिट है ना? अब ग्रैंड वर्ड आ गया है तो ग्रैंड जेनो की भी बात करेंगे ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि क्यूट से दिखने वाले ग्रैंड जेनो, जो कि पूरे यूनिवर्सेस मल्टीवर्सेस को तबाह करने की पावर रखते हैं, इनकी वॉइस इतनी स्वीट थी हिंदी में कि मैं क्या ही बताऊं। एंड इसी क्यूट और स्वीट वॉइस के पीछे है हमारी सोनल कौशल मैम। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ वार्न करने आया हूँ, लेकिन मैंने जब लड़ाई देखी तो ये बहुत मजेदार था, और मजे करना तो अच्छा होता है ना। बात करते हैं सभी की फैन फेवरेट गर्ल एंड्रॉइड 17, जिसे भी सीरीज में सोनल मैम ने ही डब किया है। तुम घर चलते हो या नहीं चलते हो? अगर नहीं चलोगे ना तो अच्छा सबक सिखाऊंगी तुम्हें। अब एंड्रॉइड 17 आ गई तो एंड्रॉइड 18 भी आएगा। एंड्रॉइड 18 को इस सीरीज में डब किया है ऑफ कोर्स हमारे राजेश कावा सर ने ही। सारे यूनिवर्सेस जिन्हें खत्म कर दिया गया है, मैं उन्हें वापस चाहता हूँ। मुझे आइलैंड जाकर अपने एनिमल्स की रक्षा करनी है, क्या ये जल्दी कर सकते हैं? अब बात करते हैं एक ऐसे विलन की जो कि फ्यूचर ट्रंक्स के सागा में बहुत भारी पड़ा था सबके ऊपर, एंड वन ऑफ द मोस्ट वैलिड रीजन है उसकी हिंदी डबिंग, जो कि इतनी परफेक्ट थी कि मैं क्या ही बताऊं, जिसका नाम है जमासू। एंड जमासू को इस सीरीज में डब किया है हमारे वल्लभ सर ने। वैसे मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरी पूरी ग्लोरी को सामने ला रही है।
एक ऐसी इनविंसिबल बॉडी जिसे कोई सीएम भी नहीं हरा सकता। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रंक्स और ट्रंक्स की, क्योंकि यहाँ पे ट्रंक्स की बात हो ही रही है ऑब्वियसली, जिन्हें दो वॉइस एक्टर्स ने सीरीज में संभाला है। पहले है हमारे राजेश शुक्ला सर, दूसरे हैं हमारे अंशुल सक्सेना सर। मेरे प्लेनेट के साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे सामने सही और गलत की बात करो? अब बात करते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में तहलका मचा देने वाला, सबको डरा देने वाला मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर जिरेन, जिसके लिए एकदम दमदार और पावरफुल वॉइस चाहिए थी। मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड था, इतना कि मैं क्या ही बताऊं कि जिरेन की वॉइस आखिर हिंदी में कौन होंगे, और वो है ऑफ कोर्स हम सभी के फेवरेट हमारे मोहित सिन्हा सर। बकवास है, मेरी ताकत के सामने तुम्हारे आदर्श कुछ नहीं है। जल्द ही सब कुछ धूल में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारी गोकू की वाइफ यानी कि हमारी प्यारी चीची, जिसे वॉइस दी है हमारी प्यारी नेशमा मैम ने। मैं बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं भीड़ में भी अकेली हूँ। जब तुम जिंदा नहीं थे तब की बात और थी, पर अब तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। ओ मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ गोकू, पर तुम छोटे छोटे बच्चों की जान बचा रहे थे इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुमने कुछ खाया है? अब बात करते हैं सेयन प्रिंस वेजिटा, जिसे इस सीरीज में डब किया है अपने अमेजिंग और सबसे हटके मॉड्यूलेशन के साथ हमारे प्रसाद बर्वे सर ने। बुलमा 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 मेरी बुलमा, मेरी बुलमा के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, समझे? उन्होंने एक गोकू को नहीं बल्कि दो दो गोकू को अपनी आवाज दी है। पहला है गोकू ब्लैक। इतना तो तुम गेस कर ही सकते हो गोकू, मैं तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। और दूसरा तो आप सभी लोग जानते हो, हम सभी का फेवरेट आन बान शान, हमारा ओरिजिनल गोकू। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो सामसून, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। So yeah guys, that's it for now. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज जाके लाइक करो ना यार, क्या जा रहा है लाइक करने में। देखो आप जितना लाइक करोगे मुझे कोई पैसे तो मिलने वाले नहीं है, हमें कोई पैसे तो मिलने वाले नहीं है, बस वॉइस एक्टर को पता चल जाएगा कि आपको उनका काम पसंद आया, जो कि ऑफकोर्स आया है, तो शो भी तो करो ना, उनको कैसे पता चलेगा। फीडबैक और कमेंट करो तो लाइक कर देना, बहुत सारे ढेरों लाइक के बटन को स्मैश कर दो, फ्लैप कर दो, कुछ भी कर दो, जो करना कर दो, बस लाइक हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप लोग को सभी वॉइस इंस्टाग्राम हैंडल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में मेरे इंस्टा की भी मिल जाएगी @anime.assemble, तो आप सबको जाके फॉलो करो, साथ में मुझे फॉलो करो। और आप लोग को एक काम करना है, अगर आप लोग इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहते हो तो देखो कॉन्टेस्ट इस बारे में है कि आपको इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेने और साथ में इंस्टाग्राम पे हम सभी को टैग करना है, ताकि आपकी स्टोरी वॉइस आर्टिस्ट तक और मुझ तक पहुंचे। सो जो बेस्ट स्टोरी होगी वो एक कॉन्टेस्ट विनर कहलाएगा, एंड उसे कम्युनिटी टैब में शाउट आउट मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है? और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना जाने मत, बाद में आप लोग बोलोगे ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आ गए और हमें तो पता ही नहीं चला, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उन्हें देख पाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज कमेंट करके बताना, सबको फीडबैक देना और इंस्टा पे स्टोरीज डालना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए ट्रू ड्रैगन बॉल और एनिमे फैन बने रहे। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।